पनीर अंगारे के लिए मैंने लिया है पनीर, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, लौंग, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, काजू, टमाटर, हल्दी, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, करी पाउडर, गरम मसाला और कस्तूरी मेथी। पहले मैंने पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर दिया। पनीर फ्राई होने के बाद उसको मैंने प्लेट में निकाल दिया। बचे हुए तेल में मैंने सारे खड़ा मसाले को डाल के थोड़ा फ्राई कर दिया। मसाले का थोड़ा खुशबू आने के बाद मैंने उसमें कटे हुए अदरक को डाल दिया और एक एक करके लहसुन और कटे हुए प्याज को भी इसी में डाल दिया। प्याज, लहसुन, अदरक का कलर थोड़ा ब्राउन होने के बाद मैंने कढ़ाई में काजू को डाल के थोड़े टाइम तक फ्राई कर दिया। फिर इसमें मैंने कटे हुए टमाटर को भी डाल के थोड़ा फ्राई करने लगा। जब सारे मसाला पक चुका, उसमें मैंने हल्दी 1 चम्मच, कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच, करी पाउडर और धनिया मसाला 2-2 चम्मच डाल के थोड़ा फ्राई कर दिया। स्वाद अनुसार नमक भी डाल के मसाले को अच्छे से पकने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी का इस्तेमाल किया ताकि सारे मसाला जल ना जाए। फिर उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए ढक दिया ताकि सारे मसाले जल्दी से पक जाए। अभी मेरा मसाला पक चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल लिया और थोड़ा सा इसको भी अच्छे से मिला दिया मसाले के साथ। फिर सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडे होने के लिए रख दिया। मसाला पूरा ठंडा होने के बाद मैंने इसको मिक्सी में ले लिया। बचे हुए मसाले का स्ट्रेंथ में थोड़ा पानी डाल के उसको भी मैंने ग्राइंडर में ले लिया और अच्छे से उसका एक पेस्ट बना दिया। अभी मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल ले लिया और उसमें तेज पत्ता और कुछ जीरा डाल दिया। उसमें कटे हुए प्याज को डाल दिया और ग्राइंड किया गया हुआ गाजर को भी डाल के थोड़ा टाइम तक फ्राई कर दिया। गाजर और प्याज जब थोड़ा ब्राउन हो जाए उसके बाद मैंने पिसे हुए मसाले का पेस्ट को कढ़ाई में ले लिया और सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें मैंने गरम मसाला 1 चम्मच लेके मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करने लगा और थोड़ा पानी दे दिया ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाए।
अभी मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है। मैंने इसमें एक बड़े कप पानी में पानी लेके डाल दिया। दूसरे बर्नर को मैंने ऑन करके उसमें एक अंगार लेके रख दिया ताकि वो अच्छे से हाई फ्लेम में गर्म हो जाए। मेरा मसाला में अच्छे से उबाल आ चुका है। उसमें मैंने फ्राई किया गया पनीर को डाल के थोड़े टाइम के लिए पका ली। मेरा मसाले में अच्छे से उबाल आ चुका है। मैं अभी एक छोटा सा कटोरी लेके कढ़ाई के बीच में रख दूंगी और लाल हुआ हो अंगार को लेके कटोरी के अंदर रख दूंगी। एक चम्मच घी को मैं अभी अंगार के ऊपर डाल दिया ताकि उसका धुआं आ जाए, और जल्दी से मैंने कढ़ाई को ढक दिया ताकि उसका धुआं उसके अंदर रह जाए और फ्लेम मैंने बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद धुआं जब पूरा चला जाए तब कढ़ाई को खोल के उसके अंदर मैंने कटे हुए धनिया को डाल दिया। अभी मेरा पनीर पूरा बिल्कुल बन चुका है खाने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए।